हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एचएम क्लासेज में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो सॉल्यूशन जो आपकी फर्स्ट यूनिट आती है उसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर या सीबीएसई के अंदर जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले जो टर्म आती है वो हमारे पास आती है कंसंट्रेशन। कौन सी आएगी? कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन जो होती है उसकी जो बेसिक टर्म है सबसे पहले वो आता है कंसंट्रेशन, की कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने सॉल्यूशन की थ्योरेटिकल करवाया था उसके अंदर हमने बताया था कि कंसंट्रेशन क्या है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि उस कंसंट्रेशन को हम निकाल कैसे सकते हैं, फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है वो क्या आता है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इज ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ NH4NO3 विद 150 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन ऑफ NH4NO3, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास दो मिक्सचर है, दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है हमारा कितना 25% NH4NO3 का, और ये कितना है 300 ग्राम, ठीक है। दूसरा जो सॉल्यूशन ये बोलता है ये हमारे पास 40% NH4NO3 और ये हमारे पास कितना है 150 ग्राम। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। हमें बताना है इस टोटल सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सॉल्यूट है NH4NO3 इसकी कंसंट्रेशन क्या है। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन। इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास में? एक हमारा है 300 ग्राम और दूसरा जो था वो हमारे पास आया 150 ग्राम। तो ये हमारे पास हो गया 450 ग्राम। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है कि हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद में इस सॉल्यूशन की, मतलब यहाँ से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को निकालते हैं कि कितना कितना सॉल्यूट डिजोल्व है। तो 25% ऑफ NH4NO3, इसका मतलब क्या हो गया कि 25 ग्राम ऑफ NH4NO3 डिजोल्व इन 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से जब इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 25% के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से, और कितने में है? 300 के अंदर है। तो 20 से 20 कैंसिल, तो क्वेश्चन जो आंसर आया वो हमारा कितना है 25 3 75 ग्राम, ठीक है। इसके बाद में अगला जो कहता है ये है 40% ऑफ NH4NO3 सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या है कि 40 ग्राम ऑफ NH4NO3 डिजोल्व इन 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से जब इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कितना आएगा? 40% है, 40% के लिए क्या आ जाएगा? 40 डिवाइड बाई 100, और उसके बाद में टोटल सॉल्यूशन कितना हमारा 150 ग्राम है। ये कितना है? 150 ग्राम। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ गया 60 ग्राम। कितना आ जाएगा? 60 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा यहाँ से हमारे पास में? टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, तो अगर हम बात करें टोटल मास ऑफ सॉल्यूट की तो 75 ग्राम इधर है प्लस 60 ग्राम इधर है, टोटल हो गया हमारे पास 5 135 ग्राम। क्लियर है, टोटल सॉल्यूट ही आ गया, टोटल सॉल्यूशन आ गया। कंसंट्रेशन निकाल दो, तो कंसंट्रेशन क्या होता है हमारे पास में? कंसंट्रेशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाई 100। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100, क्योंकि आंसर हमें चाहिए परसेंटेज के अंदर, ठीक है ना। तो परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे? 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है? 135 ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 450 ग्राम, और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे? 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से आ गया 1350 डिवाइड बाई 45। जब इसको आप डिवाइड करके चलोगे तो ये आपके पास आएगा 30%। कितना आ जाएगा? 30%। तो देखो
ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट थी वो खत्म हो गई। उसके बाद हंड्रेड लगाया हमने किसके लिए, परसेंटेज के लिए। तो ये जो सॉल्यूशन आएगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 30% कंसंट्रेशन। मतलब जितना भी आपका सॉल्यूशन है उसमें से 30% क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहता है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। ठीक है, क्या कहता है कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन के अंदर हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, बेंजीन है, प्लस सॉरी सॉल्यूट बेंजीन है और सॉल्वेंट हमारे पास में क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ से इन दोनों का क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है। समझ में आ गया? तो ये क्या कहता है कि हमने 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को मिक्स किया है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन बना वो टोटल कितना बनेगा, तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम। यहाँ से आ गया 144 ग्राम। कितना आया, 144 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज जो है ये भी आपकी एक क्या है, कंसंट्रेशन की ही टर्म है। यहाँ से भी आपकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ही निकलती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सॉल्यूट है वो कितना परसेंट है इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पे जो फॉर्मूला होता है वो आता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे आप मास ऑफ सॉल्यूट ना करके मास ऑफ कंपोनेंट भी लिख सकते हो। तो आपकी मास परसेंटेज होता है वो किसी भी कंपोनेंट का निकल सकता है। तो ओवरऑल में कंपोनेंट लिखेंगे और जब हम स्पेशल सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्यूट भी लिख देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, 22 ग्राम। तो 22 ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ 4 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 11 अपॉन 72। समझ में आ गया? इसके बाद में ये क्या कहता है कि मास यहाँ पे जो आएगा परसेंटेज, ये किसमें आएगा, इन टर्म ऑफ परसेंटेज आएगा। किसमें आएगा, इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट के अंदर क्या कहता है, यहाँ से भी आपका जो सॉल्वेंट का मास निकलेगा फाइंड आउट करना, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना परसेंट है बाई मास। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करते हो ये जो सॉल्यूशन आएगा ये आपका, अगर आपको लिखना है तो ये आएगा 15.28%। क्लियर है सभी को? यहाँ पे ये आएगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए हमें यहाँ पे 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज लगाना है तो उसके लिए मल्टीप्लाइड बाई 100, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 15.28%। ठीक है, इसके बाद आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम देखें तो यह है 122 ग्राम डिवाइड बाई 144 ग्राम और मल्टीप्लाइड बाई 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये आ गया आपका 2। एक मिनट, इसको कंप्लीट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो ये आ जाएगा 12200 डिवाइड बाई 144। ठीक है ना, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी ओवरऑल वो आएगा आपका 84.72%। कितना जाएगा, 84.72%। तो ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन टर्म ऑफ परसेंटेज। क्लियर है सभी को? तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो किसी भी चीज का मास परसेंटेज क्या होगा। क्लियर है? तो अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो भी एक कंसंट्रेशन का क्वेश्चन है, जिसे जिसके अंदर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है इन टर्म ऑफ मोलरिटी। किसके टर्म में निकालेंगे, मोलरिटी के टर्म में। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय डिजोल्विंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। मतलब
ये कहता है कि जो आपका NaOH इसका एक सॉल्यूशन बनाया गया है, जिसका जो सॉल्यूशन हमारा वो कितना है 50 ml है, और उसके अंदर हमने 2 ग्राम क्या ऐड किया है, NaOH ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारे पास क्या है NaOH, कितना दे रखा है 2 ग्राम। इसके बाद में आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जब निकालोगे तो सॉल्यूट हमारा क्या है NaOH, और NaOH क्या अगर हम सभी एटॉमिक मास को ऐड कर देते, मतलब NaOH के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है अगर हम उन सभी का मास ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, Na कितना है 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल आ गया हमारे पास 6 and 1 7 7 and 3 0 1 2 and 3 and 1 4 ग्राम पर मोल। ये किसमें आएगा, ग्राम पर मोल के अंदर, मतलब इतने ग्राम एक मोल। इसके बाद में जो हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में 50 ml, कितना है 50 ml, ठीक है। अब ये जो टर्म थी वो ये वो टर्म है जो हमें दी हुई है, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या मोलरिटी, मोलरिटी को बताया था किससे डिनोट किया जाता है, तो इसमें कहते हैं कि मोलरिटी को एम से डिनोट करता है, कैपिटल एम से, और कैपिटल एम जो होता है वो आता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपका क्या आएगा मोलरिटी आएगा। तो इसी इसको हटा के हम आपके लिए एक नया फॉर्मूला लेके आए हैं जिसके थ्रू हम इजिली मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें सिर्फ क्या करना है कि मोलरिटी लिखना है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम एन से डिवाइड कर डिनोट करते हैं, और एन इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट यहीं पे रखेंगे कि W2 डिवाइड बाई M2 इनटू इसको नंबर ऑफ मोल्स किससे डिवाइड होते हैं वॉल्यूम से, तो ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे वॉल्यूम से, क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद में क्या कहता है कि ये जो वॉल्यूम है ये मोस्टली केसेज के अंदर आपको किसमें मिलेगा मिलीलीटर के अंदर मिलेगा, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे डिवाइड बाई 1000, और ये 1000 आपका कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे जो मोलरिटी का फॉर्मूला बनता है हमारे पास में वो बनता है मल्टीप्लाइड बाई 1000, समझ में आ गया। ये जो फॉर्मूला है ये हमें यूज करना है जब भी हम किसी भी सोल्यूशन की मोलरिटी निकालेंगे, क्लियर है सभी को, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है उसको W2 से डिनोट किया जाता है, मोलर मास को M2 से डिनोट किया जाता है, और वॉल्यूम को V से डिनोट किया जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मोलरिटी निकालें तो देखो क्या आएगी, W2 हमारा कितना है 2 ग्राम, हमने लिख दिया 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई M2 हमारा कितना आया था 40 ग्राम पर मोल और इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा है 50 ml, तो 50 लिखेंगे, और ये 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो चेंज हो गया किसमें लीटर के अंदर, किसमें चेंज हो जाएगा लीटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है वो हमेशा किसमें आता है लीटर के अंदर आता है, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये मोल है इधर ऊपर आएगा तो मोल इनवर्स, और उससे ऊपर आएगा तो फिर मोल, तो हमारी जो यूनिट आएंगी वो तो क्या आ गया हमारे पास में मोल, ये लीटर है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा लीटर इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। इसके बाद में इसको सोल्व करते हैं, 20 से 20 कैंसिल, 5 1 5 5 2 10 2 2 4 और 4 से 4 कैंसिल, ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या आई 1, कितनी आ गई 1, तो हमारी जो सॉल्यूशन की मोलरिटी है वो कितनी है 1 mol/L, कितनी आएगी 1 mol/L। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे जो 1 आया है ना, इसको आप इन टर्म ऑफ मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, या फिर इसको 1 M से भी शो किया जाएगा, ठीक है ना। कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी कंसंट्रेशन टर्म है उसके पीछे अगर कैपिटल M मिलता है, इसका मतलब वो इसकी मोलरिटी को लिख रहा है, किसको लिख रहा है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन को,
क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है एक कंसंट्रेशन की ही टर्म होती है। क्लियर है? हाँ, तो बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल। यानी कहता है कि एस्पिरिन को हमने डिजोल्व किया है किसमें, एसिटोनाइट्राइल के अंदर, और वहां से एक सॉल्यूशन बनाया है। उस सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या बताना है, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन को बताना है। ठीक है, कब, जब हम 6 ग्राम ऑफ एस्पिरिन को डिजोल्व करते हैं 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल के अंदर। ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर देखें तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास सॉल्यूट कितना है 6.5 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट कितना है 450 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ गई, कितनी आएगी इसको जब इसमें ऐड करेंगे, एक मिनट। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमारे पास आएगा, देखो 6.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 456.5 ग्राम, कितना आ जाएगा 456.5 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में ये क्या कहता है, हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। तो यहाँ पे लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन क्या आएगा, मास ऑफ एस्पिरिन डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाई 100। किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100, क्यों, क्योंकि हमें मास परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए। मास ऑफ एस्पिरिन कितना दे रखा है 6.5 ग्राम, डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारा 456.5 ग्राम, और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसको आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ओवरऑल जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 6500 डिवाइड बाई 4565। ठीक है ना? और इसको जब डिवाइड करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.424%। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.424। ठीक है, दे रखा है उसके अंदर, देखो क्या कहता है कि 8.0575 × 10⁻²⁻² ग्राम ऑफ ग्लोबुलर साल्ट इज डिजोल्व इन वाटर टू ऑब्टेन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी दिस। इसमें कहता है कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ Na2SO4 इन सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जो साल्ट दे रखा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा आपके पास में, इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास में Na2SO4.10H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा गबलर साल्ट का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इसके बाद में ये क्या कहता है कि हमें इस साल्ट की मोलरिटी और मोलेलिटी निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारे साल्ट है, तो यहाँ पे इसका मास हमें कितना दे रखा है 8.0575 × 10⁻²। ठीक है ना, ये जो वैल्यू दे रखी है हमें किसमें दे रखी है, किलोग्राम के अंदर, तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे ग्राम के अंदर। जब आप इसको ग्राम में चेंज करोगे तो यहाँ पे ये 8.0575 × -2, और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 10⁻³ से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी किसके अंदर आ जाएगी, ग्राम के अंदर आ जाएगी। समझ में आ गया सभी? ठीक है, इसके बाद देखो हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1 dm³, यानी डेसीमीटर क्यूब। ठीक है ना, और जो डेंसिटी दे रखी है आपको, डेंसिटी हमारे पास दे रखी है 1077.2 kg m³³। समझ में आ गया? ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसकी मोलरिटी और मोलेलिटी निकालनी है। तो मोलरिटी निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4.NH2। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है ना,
तो गिवन वेट हमारे पास है ये दे रखा है, इसके डिवाइड करना इसको मोलर मास से, मोलर मास अगर हम इसका निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मोलर मास ऑफ सॉल्ट इज, इसका जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे कंप्लीट का तो ये वैल्यू आएगी बस 322 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, 322 ग्राम पर मोल, ठीक है। यह सभी के एटॉमिक वेट को आप ऐड करोगे तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इसके बाद में क्या कहता है कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है मोलरिटी। मोलरिटी के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वेट दे रखा है उसको डिवाइड कर देंगे इसके मोलिकुलर मास से, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, हमारा वेट, वेट कितना है ये है, इसको जब आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 10^1 बचेगा, वो पॉइंट इधर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 8.0575, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 8.0575 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ग्राम डिवाइड बाई 322 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये जब इसको डिवाइड करोगे कंप्लीट को, यहाँ से वैल्यू आएगा आपकी 0.25 मोल, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 0.25 मोल, क्योंकि यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 1/1 मोल, ये मोल यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा, मोल इनवर्स, और मोल इनवर्स जब वापिस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरीके से हम क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हमें दे रखा है यहाँ पे मोलरिटी, तो मोलरिटी हमारी क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 0.25 डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 1 dm³, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना रखेंगे, 1 dm³। ये किसमें, हमारा जो वॉल्यूम है यहाँ पे किसमें आया है, dm³ के अंदर है। तो यहाँ से जो मोलरिटी आएगी आपकी वो कितनी आएगी, इसको लीटर में चेंज करोगे, लीटर में चेंज करेंगे तो जो ये डिवाइड किया जाएगा 10^3 से, किससे डिवाइड होगा, 10^3, और यहाँ से, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो आपकी मोलरिटी है वो अगर आप लीटर के अंदर निकालना चाहते हो तो इसको लीटर में चेंज करेंगे, अदरवाइज ये भी वॉल्यूम की टर्म है जहाँ पे इसी के अंदर हमें मोलरिटी निकालनी, मतलब इतने वॉल्यूम के अंदर हमें मोलरिटी निकालनी है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट कितनी आएगी, 0.25 डिवाइड बाई 1 = 0.25 मोलरिटी, कितना आ जाएगा, 0.25 मोलरिटी, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर मोलेलिटी को। तो मोलेलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूट क्या निकालना पड़ेगा हमें, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रखा, लेकिन हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी हमारी कितनी है, डेंसिटी है हमारे पास में 1077.2 kg mole inverse³, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, डेंसिटी कितनी है, 1077.2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने कितना लेके चलना है, 1 dm³, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर³, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपकी डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.77.2 सॉरी 1077.2 kg m³, कितना आ जाएगा, 1077.2 kg m³, ठीक है। यहाँ पे इतना क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ये डेंसिटी थी, डेंसिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से, वॉल्यूम हम कितना लेके चल रहे हैं, 1 dm³ लेके चल रहे हैं, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, इसको चेंज कर लेते हैं ग्राम के अंदर, ठीक है। तो ग्राम में जब इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा, 1077.2 × 10^3 ग्राम
और ये हो गया मीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। और इसको दोबारा से हम चेंज करेंगे 772 इंटू 10^3 ग्राम, इसको डीएम क्यूब के अंदर जब चेंज करोगे तो 10^-3 डीएम क्यूब हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10^3 से 10^3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1077.2 ग्राम, कितना जाएगा 1.0072 ग्राम। देखो यहाँ पे जो मास से आएगा हमारे पास क्या आएगा, किलोग्राम, मीटर क्यूब और डी एम क्यूब आएगा, मीटर क्यूब इनवर्स और डी एम क्यूब इनवर्स। तो यहाँ पे जब हम इसको डी एम क्यूब इनवर्स के अंदर चेंज करेंगे, एक डी एम क्यूब हमारे पास पहले से, तो इसे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, सिर्फ ग्राम बचेगा, ठीक है ना। इसीलिए हमने इसको किस में चेंज किया है, डी एम क्यूब के अंदर, ठीक है। मीटर क्यूब को हमने किस में चेंज कर लिया, डी एम क्यूब इनवर्स के अंदर, तो डिवाइड हो जाएगा किससे, 1000 से। तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे, ऊपर जाएगा 10^3 बनेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डीएम क्यूब से डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे ग्राम, तो यूनिट क्या आ जाएगी आपकी, ग्राम। तो ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आपकी जो मास ऑफ सॉल्वेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मास ऑफ सॉल्यूशन यानी 1077.2 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास हमारे पास यहाँ पे आया था कितना आया, ये रही वैल्यू 80.575, ठीक है, 80.575, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 80.575, जब इसको सब्ट्रैक्ट करके चलोगे यहाँ पे जीरो लगेगा, 5 बचेगा, इधर बचेगा 9789, यहाँ पे आएगा 12 11, तो ये 6 बच गया पॉइंट, इधर 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 17, 17 में से 8 गया तो 9 बच गया, इधर बच गया 9, तो ये आ गया 996.625। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, 996.625, ठीक है। अब किसके बाद हमें निकालनी है मोलरिटी, तो मोलरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी मोलैरिटी हमने फाइंड आउट कर ली, मोलैरिटी निकालेंगे, तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.25 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है 996.625, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किससे, 1000 से, क्लियर है। तो यहाँ से ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये हमारी किसकी वैल्यू आएगी, मोलैरिटी की वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आपको सोल्व करके कमेंट के अंदर बतानी है कि इसकी मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर अंडर दिस प्रेशर, ठीक है। 760 mmHg हमारा प्रेशर है और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन है, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन है। उन कंडीशन के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर, यानी जो आपका वाटर है, मान लो हमने वाटर लिया हुआ है एक बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर हमें वाटर में क्या मिक्स करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स करना है। तो ये कहता है कि कितनी CO2 मिक्स होगी उसकी सोल्युबिलिटी निकाले, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या कहता है कि किसी भी गैस की जो वेपर प्रेशर होता है ना, यानी वेपर प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to the mole fraction of that gas, ठीक है, कि किसी भी गैस का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होता है आपका, वो मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट्स सोल्यूबिलिटी, इसको रिप्रेजेंट करेगा सोल्यूबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी किसी भी गैस का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी सोल्यूबिलिटी के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखे वेपर प्रेशर ऑफ CO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो यहाँ से आपका वेपर प्रेशर ऑफ CO2 किसके इक्वल आ जाएगा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। यहाँ पे KH जो है वो क्या है हमारे लिए, हेनरी कॉन्स्टेंट, हेनरी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमें देखो
वेपर प्रेशर दे रखा है, गैस का जो वेपर प्रेशर है वो दे रखा है, दूसरा हमें हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, हमें क्या निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका मतलब हमने किसको फाइंड आउट कर लिया, सोल्युबिलिटी को। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या कहता है कि हमें ये निकालना है, तो एक्स ऑफ सीओ टू यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सीओ टू किसके को लाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सीओ टू डिवाइड बाई के एच। ठीक है, कि जो सीओ टू यानी कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर प्रेशर है उसको डिवाइड कर देंगे के एच के साथ में, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, हमारी मोल फ्रैक्शन ऑफ सीओ टू आ जाएगा। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सीओ टू हमें कितना दे रखा है, 760 mmHg डिवाइड बाई के एच, के एच की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 1.25 × 10⁻⁶ mmHg। ठीक है, तो यहाँ से mmHg से mmHg कैंसिल हो जाएगा और जो आपकी वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 608 × 10⁻⁶। ये हमारा क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, और जो आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 की वैल्यू है यही क्या रहेगी, आपकी सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2। तो इस टाइप से आप किसी भी सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, सिंपली हेनरी लॉ का यूज करना है। क्लियर है सभी को? तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के पे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर एट NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर डिजोल 0.08 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कि 1 लीटर वाटर है और वो कितने नाइट्रोजन डिजोल कर रहा है, 0.08 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को डिजोल कर रहा है एट NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर रहेगा हमारा 760 mmHg। ठीक है, तो ये कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दैट कैन बी डिजोल इन 4 लीटर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट ए प्रेशर ऑफ 1520 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखी है सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 solubility of N2 यानी P1 वो हमें कितना दे रखा है, सॉरी C1 इज इक्वल टू दे रखा 0.08 ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें प्रेशर, इनिशियल प्रेशर की, तो यहाँ पे जो प्रेशर हमें P1 दे रखा है वो दे रखा है 760 mmHg। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि जो सेकंड जो आपका प्रेशर है P2 वो ये है, और इस पे आपको सोल्यूबिलिटी निकालनी है, यानी हमें निकालना है सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 दैट इज C2, ये आपको फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे आपका फाइनल जो प्रेशर दे रखा है P2 वो वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1520 mmHg, इतनी दे रखी है 1520 mmHg। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, सोल्यूबिलिटी C2 फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, C1 upon C2 इज इक्वल टू P1 upon P2 अकॉर्डिंग टू रूट्स लॉ। क्या कहता है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको डिवाइड कर दें, सॉरी इनिशियल सोल्यूबिलिटी को डिवाइड करेंगे फाइनल सोल्यूबिलिटी से, इनिशियल प्रेशर को डिवाइड करेंगे फाइनल प्रेशर से। तो यहाँ से हमारा जो C2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, C2 इधर जाएगा, P2 इधर आएगा, तो C1 × P2 डिवाइड बाई P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, C2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि जब आप C2 निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, C1 हमारे पास कितना है 0.08 ग्राम पर लीटर इंटू P2 की वैल्यू हमारे पास है 1520 mmHg और डिवाइड बाई P1 हमारे पास कितना था 760 mmHg, तो mmHg से mmHg कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इस ओवरऑल टर्म को सोल्व करके आओगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.16 ग्राम पर लीटर। ठीक है, क्योंकि mmHg से mmHg कैंसिल हो गया, यूनिट क्या बची ग्राम पर लीटर, तो ये यूनिट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या कह रहा है, ये हमारी क्या ही है सोल्यूबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर। ठीक है, इसके ऊपर हमारी वैल्यू कितनी आई है 0.16, ये जो सोल्यूबिलिटी है इतने ग्राम सोल्यूबल रहेगा 1 लीटर के अंदर। और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है 4 लीटर के लिए फाइंड आउट करनी है, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 एट इन
4 लीटर। तो 4 लीटर वाटर के लिए जब सोल्युबिलिटी निकालेंगे तो 4 लीटर के लिए क्या आएगी, 1 लीटर के लिए कितनी है, 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो हो जाएगा आपका 4 चौक 16, सॉरी 6 चक 24, 4 2, 4 एकम 4 और 2 6.0, यानी 0.64 ग्राम पर लीटर जो भी आपकी आएगी, कितनी, 4 लीटर के अंदर, 4 लीटर वाटर। समझ में आ गया। तो ये हमारी यूनिट किसके लिए आएगी, सॉरी ये जो वैल्यू आएगी किसके लिए आएगी, सोल्युबिलिटी ऑफ N2 इन 4 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी को निकाल सकते हैं कि कोई भी गैस है उसकी सोल्युबिलिटी क्या रहेगी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो वहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जहां पे आपको इनिशियल और फाइनल सॉल्युबिलिटी दे रखी हो और प्रेशर दे रखा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 20% बाय मास ऑफ लिक्विड ए हैज वेपर प्रेशर 160 mm एट 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इफ दैट ऑफ वाटर इज 150 mm एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि हमने क्या किया है कि हमने ए लिया, ए को हमने बी के साथ मिक्स किया, बी जो हमारा वो क्या है, वाटर है। ठीक है, जब ए को बी के साथ मिक्स करेंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा, ए बी। ठीक है, तो ये क्या कहता है, जब ए और बी को मिक्स कर रहे तो सॉल्यूशन बन रहा है ए बी। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है आपके पास में, 160 mmHg, कितना आ रहा है, 160 mmHg। इसका जो आपको टेम्परेचर दे रखा है वो आपको दे रखा है 57 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यहाँ पे हमें जो आपका ए है इसका पी नॉट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, यानी जो आपका प्योर ए उसका वेपर प्रेशर निकालना है, और इसने दे रखा है कि जो आपका जो वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर है यानी पी नॉट ऑफ बी है वो हमारे पास कितना है, 150 mmHg। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है पी नॉट ऑफ ए। अब देखो अकॉर्डिंग टू रूट्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूट्स लॉ, रूट्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पी ए प्लस पी बी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। तो यहां से अगर हम पी ए चेक करें तो पी ए हमारा कितना होता है, पी नॉट ऑफ ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, P नॉट ऑफ B यानी वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, तो ये तो हमारे पास वैल्यू हो गई पी ए और पी बी की। तो यहाँ से अगर हम पी एस निकालें तो पी एस कितना आएगा, इन वैल्यू को पुट कर देंगे तो पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू, ये इक्वेशन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो यहाँ से हम पी नॉट ऑफ A फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्योंकि पी एस की वैल्यू हमें गिवन है और पी नॉट बी की वैल्यू भी गिवन है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर जो इसने दे रखा है 20% बाय मास ऑफ लिक्विड ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 20% बाय मास, 20% बाय मास ऑफ ए। ठीक है, यानी एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसके अंदर ए और वाटर को मिक्स किया गया है, एक एक्वस, ए का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है यानी ए प्लस वाटर मिक्स किया गया है, वाटर को हम लेके चल रहे हैं बी। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि यहाँ पे आपका मास ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, यहाँ पे देखो जब इसको आप डिकोड करते हो 20% बाय मास ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम ऑफ ए इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो 20 ग्राम ए है वो डिजोल्व होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 20 ग्राम, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आया, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, और अगर इसका मोलर वेट की बात करें तो इसका जो मोलर वेट दे रखा है, मोलिकुलर मास दे रखा है, वो हमें दे रखा है 140 ग्राम पर
मोल, ठीक है, ये है मोलिकुलर मास ऑफ ए। क्लियर है यहां तक सभी को? अब यहां से हम निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, सॉल्वेंट बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 80 ग्राम। कितना आ गया, 80 ग्राम, ठीक है। इसके बाद में अगर मोलिकुलर मोलिकुलर मास ऑफ, या फिर बोल सकते हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम निकाले तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोलिकुलर मास आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया और उसका मोलिकुलर मास आ गया। तो हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए क्या लिखेंगे इसको, एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए कि इसकी नंबर ऑफ मोल्स की, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास। तो यहाँ पे अगर हम देखें गिवन वेट, गिवन वेट हमें कितना दे रखा है, 20 ग्राम, इसका मोलिकुलर मास होता है 1440 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम ये हो जाएगा ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया तो यूनिट आपकी आएगी कितनी, मोल, और ये हो जाएगा 1 7 1/7, और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.143, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, गिवन वेट, गिवन वेट हमें कितना है 80 ग्राम डिवाइड बाई इट्स मोलिकुलर वेट 18। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 4.44, ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल इनवर्स ऊपर आएगा क्या बनेगा, मोल, तो 4.44 मोल। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 0.143 डिवाइड बाई 0.143 प्लस 4.44, ठीक है। और तो यहाँ से जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 0.031। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये भी मोल्स आएंगे, नीचे भी मोल्स आएंगे, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। देखो तो ये वैल्यू है, ये भी मोल आएगा और नीचे की जो वैल्यू है वो भी किसमें आएगी, मोल के अंदर, तो मोल से मोल कैंसिल, तो यहाँ पे इसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.969, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आ गया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ गया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया। इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे हम टोटल प्रेशर के अंदर। तो यहाँ से पीएस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 160 इज इक्वल टू, ये हमें पी नॉट ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है, इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई है 0.031 प्लस पी नॉट ऑफ बी हमारे पास में है 150 और मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारे पास 0.969, ठीक है। तो यहाँ से अगर पी नॉट ऑफ ए निकालोगे तो वैल्यू इधर चली जाएगी, तो 160 माइनस 150 इंटू 0.969 डिवाइड बाई ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो 0.031 इज इक्वल टू किसके आएगा, पी नॉट ऑफ ए के। तो यहाँ से आपकी जो पी नॉट ऑफ ए है यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वो आपका कितना आएगा, 458.57 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, MMHg के अंदर, MMHg में। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया है उसका हम क्या निकाल सकते हैं, पी नॉट ऑफ ए निकाल सकते हैं, या फिर पी नॉट ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है सभी को? इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ तो बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है उसके अंदर क्या कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी एट 400 केल्विन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल प्रेशर एट दिस टेम्परेचर इज
600 mm HG, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास में एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर ए और बी का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट के अंदर वो दे रखा है 400 mm HG एंड 700 mm HG, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो आपका सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 600 mm HG है, ठीक है। आपको उस सॉल्यूशन की क्या फाइंड आउट करना है, कंपोजिशन को। कंपोजिशन का मतलब उस वो जो मिक्सचर बना है यानी वो जो सॉल्यूशन बना है उसके अंदर ए और बी कितना कितना है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं उनका मोल फ्रैक्शन, क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कभी भी आपको कंपोजिशन के लिए बोलता है तो आपको फाइंड आउट करना है उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रूट्स लॉ, रूट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो आपका पी एस होता है वो किसके इक्वल होता है, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने पी हमने ए प्लस बी को मिक्स किया है और यहाँ से सॉल्यूशन बन रहा है ए बी, तो हमें यहाँ पे पी नॉट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है और पी नॉट ऑफ बी की वैल्यू भी दे रखी है और यहाँ से पी एस की वैल्यू दे रखी है। पूछ रहा है कि इनका कंपोजिशन क्या हो गया, इनका मोल फ्रैक्शन निकालना है ए और बी का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है एज वी नो दैट अगर हम लिखे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, देखिए इसके इक्वल होता है हमेशा वन के इक्वल, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस वैल्यू को यहाँ से उठा के पुट करेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो यहाँ पे जब ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो पी एस है वो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह पे क्या रखना है, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि अगर आप पी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये बनेगा पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है ना। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पी नॉट ऑफ ए माइनस, यहाँ से जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आपका पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ ए, ठीक है। और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि आपने माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें पी एस, पी एस की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 600 mm HG, तो ये वैल्यू हमने रखी 600 इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 450 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू ये वैल्यू हमारे पास है 700 माइनस 450, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 600 माइनस 450 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 5, और इधर बच गया 6 6 में 2, तो 250 आ गया, ठीक है। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0 5 and 1, और डिवाइड बाय 250 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो वैल्यू कितनी आएगी 150 डिवाइड बाय 250, 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास में 5 3 15 5 5 25 3/5, तो वैल्यू आ जाएगी 0.6 mm, मोल फ्रैक्शन है तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आया वो कितना है 0.6 आ गया। अब हमें पता है इस इक्वेशन से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो यहाँ से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो क्या जाएगी वैल्यू, 1 माइनस 0.6, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू आएगी आपके पास 0.4, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन आएगी वो कितनी आएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आएगा 0.6 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आएगा 0.4, क्लियर है सभी को। तो इस टाइप से आप किसी भी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन यानी उसकी कंपोजिशन को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहां से हम क्या करेंगे, रूट्स लॉ को फॉलो करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है सभी क्वेश्चन की ओर, जिसके अंदर क्या कहता है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, इफ वेपर प्रेशर प्योर वाटर इज 298 केल्विन
एट 298 कैलोरी 23.8 mmHg। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि 30 ग्राम यूरिया को डिजोल्व किया गया है वाटर के अंदर, यानी हमारा जो सोल्यूट है वो क्या है, यूरिया है। हमने यूरिया को डिजोल्व किया किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा सोल्यूशन बनता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया, क्या बनेगा, एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक है, इसमें कहता है कि जो यूरिया है हम 30 ग्राम लेके चल रहे हैं और ये हमारा है ये 846 ग्राम ऑफ वाटर को वाटर के अंदर इसको डिजोल्व कर रहे हैं। यहाँ से जो हमारा टोटल सॉल्यूशन बनता है उसका इसने वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो हमारा यहाँ पे वो कितना है, हमें ये जो वैल्यू दे रखी है इसको हमें ले लेते हैं पी नोट बी। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को हमने क्या ले लिया, पी नोट बी, और पी नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 23.8 mmHg। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूरिया जो है, यूरिया का मोलिकुलर फॉर्मूला, तो सबसे पहले हमने ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट क्या आएगा हमारे पास में 30 ग्राम, उसके बाद में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास में कितना दे रखा है इसने 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास में मास ऑफ सोलवेंट, यहाँ पे आपको मास ऑफ सोलवेंट दिया हुआ है कितना 846 ग्राम, एंड मोलर मास ऑफ सोलवेंट क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, तो मोलर मास ऑफ सोलवेंट आएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस सॉल्यूशन, यानी ये जो सॉल्यूशन बना है इसके अंदर हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी पी बी निकालना है, या फाइंड आउट करना है पी बी, पी नोट भी हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो उसके लिए जो रूट्स लॉ था वो क्या था हमारा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी जो आपका जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कि हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, तो वहां पे पी नॉट ऑफ ए क्या आ जाएगा, जीरो, तो जो हमारा पी एस आएगा वो किसके कुल आएगा, पी ए प्लस पी बी के, और यहाँ से पी नॉट ऑफ ए जीरो है तो आपका पी ए भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो पी एस किसके कुल आ जाता है, पी बी के। तो अगर हम पी एस निकाल लें तो हमारा पी बी फाइंड आउट हो जाएगा, इसके लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ए हमारा क्या है यूरिया है और बी हमारा क्या है वाटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या आएगा, वेट ऑफ ए, और वेट ऑफ ए कितना दे रखा है हमें 30 ग्राम, डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ ए वो है हमारे पास में 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट गया, 10 से 10, 1, 2, तो ये वैल्यू आएगी 0.5 मोल। ठीक है ना, इसके बाद आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, तो वेट, वेट हमें दे रखा है 846 ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट हमारे पास आएगा 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि वाटर है, वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है 18 ग्राम होता है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 47 मोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे ये आएगा हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्यों, क्योंकि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल टू आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, ये हमारा क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल आएगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी।
है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ले, इधर ये वैल्यू हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आए 0.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आए 47। इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आएगा हमारे पास में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू आएगी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.5 अपॉन 47.5, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1/95, कितना आ जाएगा 1/95। ये हमारा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे पी नोट बी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 23.8, तो हमने रखा इसको 23.8 माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी, पी नोट बी कितना है 23.8, ठीक है। उसके बाद में इज इक्वल टू किसका आएगा 1/95 के, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपका 23.8 माइनस पी एस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 23.8 डिवाइड बाई 95। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 23.8 माइनस पी एस इज इक्वल टू, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 0.5421, ठीक है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। और इस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पी एस निकालना है तो पी एस इस साइड में आ जाएगा, तो पी एस इज इक्वल टू ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 23.8 माइनस 0.4521, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी पी एस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 23.8 है, 8 में से 5 गया तो 3 पॉइंट समथिंग आपकी क्या आ जाएगा mmHg। ये वैल्यू हमारी किसकी आएगी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं जब आप उसका मोल नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो और क्या दे रखा हो, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर सॉल्यूशन।